टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिट वैरायटी। जैसा कि सिंथेटिक वैरायटी भी मेज में यूज हुआ है, ये भी मेज में यूज होता है। ठीक है, मेज, सनफ्लावर और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें सिंथेटिक वैरायटी और कंपोजिट वैरायटी दोनों यूज होते हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों बनते हैं। तो जैसे सिंथेटिक वैरायटी में हम जीसीए के बेस पर सिलेक्शन करते थे, इसमें कोई भी जीसीए चेक नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जीसीए विश्लेषण नहीं होगा। इसमें सिंपल काम क्या करते हैं, जो भी सिलेक्शन होगा, और एक और चीज इसमें यह है कि इसमें किसी लाइन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कितना भी लाइन यूज कर सकते हैं। तो सेम जैसे सिंथेटिक वैरायटी था, मल्टी लाइंस का मिक्सिंग था, फिर उसमें इंटरक्रॉस कराते थे, इसमें भी सेम वही काम है, मल्टी लाइंस का ही मिक्सिंग है, लेकिन इसमें कोई इंटरक्रॉस ब्लॉक नहीं लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, फिनोटिपिक बेस पे सिलेक्शन करते हैं, जितना भी सिलेक्शन होगा वो फिनोटिपिक बेस पे होगा। आप फिनोटिपिक बेस पे जो भी सिलेक्शन करते हैं, वो हो सकता है कि मल्टी लाइन का सिलेक्शन मल्टी कैरेक्टर के मल्टी कैरेक्टराइज बेस्ड हो, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी लाइन होंगे और उसमें हम एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट करते हैं, सेम कैरेक्टर के लिए दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें लाइन में भी सिलेक्शन करेंगे। अगर पहले लाइन में सिलेक्शन मोर देन 5 कैरेक्टर हो रहा है, 6 कैरेक्टर हो रहा है, तो सेम वही कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर का सिलेक्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के लिए होगा। यानी अगर मान लीजिए हम एक लाइन है, एक वैरायटी है, दूसरी वैरायटी है, तीसरी वैरायटी है, चौथी वैरायटी है, इसमें से मैच्योरिटी के बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं, या प्लांट हाइट के बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं, या अर्लीनेस के बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं, या तीनों को हम कंसीडर करके सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सेम यही कैरेक्टर हम इसमें भी सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी सिलेक्ट करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे। यानी इस कैरेक्टर के बेस पे जो सुपीरियर होगा उसको इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, इसी कैरेक्टर के बेस पे जो इस वैरायटी में सुपीरियर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, इसी कैरेक्टर के बेस पे जो इन वैरायटी में सुपीरियर होगा उसको सिलेक्शन करेंगे। यानी फिनोटिपिक बेस सिलेक्शन होगा और वो सिलेक्शन सभी लाइन के लिए सेम टू सेम होगा। ठीक है, और ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद उसको 4 to 5 years के लिए रिपीट कर सकते हैं, अंटिल यू हैव गेट यूनिफॉर्मिलिटी। तो हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक उसमें कुछ हमको यूनिफॉर्मिलिटी ना मिल जाए। तो सिंपल उसमें कुछ करते नहीं, ओपन पोलिनेशन अलाउ कर देते हैं, ओपन पोलिनेशन होता रहता है और उसको हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो करते रहते हैं। तो ये 1 year के लिए भी हो सकता है, 4 to 5 years के लिए रिपीट भी हो सकता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसको हम मल्टीप्लिकेशन यील्ड ट्रायल के लिए ले जाते हैं, चेक के द्वारा उसको कंपेयर करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसको हमारी कंपोजिट वैरायटी रिलीज कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इट कैन बी डेवलप बाई आर कैन से इट कैन बी अचीव्ड बाई मिक्सिंग ऑफ सेवरल लाइन आर कैन से सेवरल जीनोटाइप based on similar phenotypic character. यानी similar phenotypic character के बेस पे सभी लाइनों से सिलेक्शन होगा और उस सिलेक्शन वाले प्लांट्स को, सिलेक्टेड प्लांट्स को आपस में मिक्स कर देंगे। ओके, सेकेंड क्या हो सकता है इसमें, no restriction to the number of line. नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इट कैन बी डेवलप फ्रॉम इनब्रीड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी और एडवांस जनरेशन लाइन कह सकते हैं। यानी एडवांस जनरेशन लाइन जो भी होगा उससे डेवलप हो सकता है, हाइब्रिड से डेवलप हो सकता है, या फिर इनब्रीड वैरायटी से डेवलप हो सकता है। और मेंटेन कैसे होता है, कैन बी मेंटेन बाय सेम एज सिंथेटिक वैरायटी, यानी ओपन पोलिनेशन से इसको भी मेंटेन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इस सीड को फार्मर्स यूज कर सकते हैं 3 to 4 times, खुद का सीड होगा और वो 3 to 4 times यूज कर सकते हैं। इससे ये होगा, जैसे हाइब्रिड को हम 1 time यूज करते हैं तो उससे फार्मर्स को बार बार सीड खरीदना पड़ता है, तो इससे बचने के लिए कंपोजिट वैरायटी का यूज कर सकते हैं। फार्मर कैन यूज देयर ओन सीड फॉर 3 to 4 years। ओके, यानी 3 to 4 years के लिए खुद का सीड, जो सिंथेटिक, जो कंपोजिट वैरायटी का सीड है उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हर बार नया सीड नहीं खरीदना पड़ेगा। तो कंपोजिट वैरायटी तैयार करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब चाहे जितने भी लाइन का यूज करें हम कंपोजिट वैरायटी तैयार करने के लिए, उस लाइन में हम फिनोटाइपिक बेस सिलेक्शन करेंगे, और फिनोटाइपिक बेस सिलेक्शन में ये ध्यान देना होगा कि जितने भी कैरेक्टर सिलेक्टेड होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे। यानी फर्स्ट लाइन से जो कैरेक्टर सेलेक्ट होगा वही बाकी के लाइन से भी सिलेक्ट होगा। ओके, तो फ्लो चार्ट से इसको देखते हैं क्या है। तो कंपोजिट वैरायटी डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लाइन का सिलेक्शन। अब चाहे जितना भी लाइन ले सकते हैं इसके लिए, तो सपोज करिए 1 2 3 4 5 है, 5 लाइन्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं।
तो पहले में क्या होगा, फिनोटिपिक बेस सिलेक्शन होगा, दूसरे में फिनोटिपिक बेस, तीसरे में फिनोटिपिक बेस, चौथे में फिनोटिपिक बेस, पांचवे में भी फिनोटिपिक बेस, यानी जो भी कैरेक्टर इसमें सिलेक्टेड होंगे, जिस कैरेक्टर के लिए ये सुपीरियर होगा उसी कैरेक्टर के लिए ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो ये पहला काम क्या किए, ये लाइन का सिलेक्शन, लाइन का सिलेक्शन कैसे हुआ, बेस्ड ऑन सिमिलर फिनोटिपिक कैरेक्टर, बेस्ड ऑन सिमिलर फिनोटिपिक कैरेक्टर। सेकंड काम क्या करेंगे, इस सारे सिलेक्टेड लाइन को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, हो गया हमारा मिक्स प्लॉट। नेक्स्ट का आप क्या करेंगे, इस सभी को मिक्स करेंगे, यानी ये हो गया मिक्स, मिक्सिंग का मिक्स कर दिए। उसके बाद ये जो मिक्सिंग के बाद जो जनरेशन तैयार होगा, जो पॉपुलेशन तैयार होगा, इसको हम रिप्लिकेटेड इल ट्रायल के लिए ले जाएंगे। रिप्लिकेटेड इल ट्रायल में हम चेक के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको हम एज ए वराइटी यूज करेंगे। तो इसके बीच में क्या करते हैं, अगर इसमें सिमिलरिटी नहीं है, इनमें इसमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत इसमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होगी, ये एज कम्पेयर टू हाइब्रिड मिक्सड पॉपुलेशन है ना, मिक्स पॉपुलेशन ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर हमको यूनिफॉर्मिलिटी चाहिए तो ये क्या करेंगे, इस इसमें ओपन पॉपुलेशन अलाउ करके 3 to 5 generation इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, जब तक कि हमको थोड़ा सा यूनिफॉर्मिलिटी ना मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इट कैन बी रिपीटेड, 3 to 5 generation कैन बी रिपीटेड, 3 to 5 generation अंटिल गेट यूनिफॉर्मिलिटी, यानी ये मिक्स पॉपुलेशन है, मिक्स पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मिलिटी हमको लानी हो, देखनी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम 3 to 5 generation के लिए रिपीट करेंगे, थोड़ा सा यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन होगा। ओके, इसके बाद जो प्रोडक्ट बन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन इन ट्रायल के लिए ले जाएंगे। तो इसको हम रेप्लिकेशन इन ट्रायल में क्या करते हैं, रेप्लिकेशन में लगाते हैं और इसके साथ कोई चेक लगा देते हैं, ये चेक हो गया, चेक कोई लोकल वाइज हो सकती है। अब चेक के साथ इसका परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, इसका परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको हम एज कंपोजिट वैरायटी रिलीज कर सकते हैं। हाई यील्डेड, हाई यील्डेड एंड स्टेबल प्लॉट कैन बी रिलीज्ड एज ए वैरायटी, रिलीज्ड एज ए वैरायटी। हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्शन किया, जितने भी लाइन को हमको यूज करना है कंपोजिट वैरायटी तैयार करने के लिए, उस लाइन का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन किस बेस पे है, फिनोटिपिक सिमिलरिटी के बेस पे, फिनोटिपिकली सिमिलर कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के बेस पे हमने सिलेक्शन किया। उसके बाद इस सभी सिलेक्टेड प्लांट्स को आपस में मिक्स कर दिया, जिससे हमारा मिक्स प्लॉट तैयार हो गया। इस मिक्स प्लॉट में हमने रैंडम मेटिंग करा दिया, या फिर ये पूरे पॉपुलेशन में हमने क्या किया, रैंडम मेटिंग करा दिया मिक्सिंग के बाद। रैंडम मेटिंग याद मेंशन कर लीजिए, रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग कराने के बाद जो भी जनरेशन तैयार हो रहा है वो जनरेशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, वैसे यूनिफॉर्मिलिटी अभी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मिक्स पॉपुलेशन होता है, तो ये मल्टी लाइन का मिक्सिंग है, तो इसमें यूनिफॉर्मिलिटी का तो चांस कम होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मिलिटी हमको चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस काम को जो जो हमने रैंडम मेटिंग कराया है, इस काम को हम 3 to 5 generation तक रिपीट करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रेप्लिकेशन इन ट्रायल के लिए एक चेक के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन इन ट्रायल में, रेप्लिकेशन में सभी के सभी ये पूरा प्लॉट रेप्लिकेशन में लगा, 1 2 3 रेप्लिकेशन, 1 2 3, 1 2 3 करके। अब ये रेप्लिकेशन को जो कंपेयर करना होगा तो एक चेक के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जिस चेक के जिस प्लॉट का परफॉर्मेंस चेक से अच्छा होगा उसको हम क्या करेंगे, एज ए वैरायटी रिलीज कर देंगे, सिंपल कंपोजिट वैरायटी।